हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शेयर। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में मैं एक आपको खुशखबरी बताना चाहता हूं भाई, कि जो मलेशिया की सरकार है उन्होंने सबके लिए कोरोना वैक्सीन बिल्कुल फ्री कर दी है। ये तो हो गई है खुली डुली सी बात। अब है किन के लिए? जो यहाँ पे वर्क परमिट वाले उनको तो भाई फ्री में मिलेगी ही मिलेगी। जिन भाइयों के पास वर्क परमिट नहीं है उनको भी मिलेगी, जिनका अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई है उनको भी मिलेगी, 2020 वालों को भी मिलेगी। A to Z सबको वैक्सीनेशन होगी, सबकी एक लिस्ट बनेगी। पहले तो लिस्ट के हिसाब से जो कोविड का वैक्सीनेशन है वो हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे से बिना लिस्ट के भी देने लग जाएंगे, सबको मिलेगी ये वैक्सीनेशन हो जाएगी। ये तो थी शॉर्टकट में। जिन भाइयों ने टाइम वेस्ट नहीं करना है उन भाइयों के लिए ये तो एक मतलब शॉर्टकट में मैंने बता दी है। अब जो भाई अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं 2-3-4 मिनट, और उनके लिए भी 2-4 बातें बता देते हैं, ठीक है ना। जितनी भी मेरी वीडियो आपसे आएगी टिकटॉक वाली छोड़ के, तो सबके नीचे मैं अपना नंबर दे दिया करूंगा भाई। मेरी सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, और मेरे को जब मर्जी कॉल करो यार, कोई चक्कर नहीं है। कॉल करो, व्हाट्सअप मैसेज मत करो, कॉल करो। अगर बाद में व्हाट्सअप करना हुआ तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। मलेशिया में इंश्योरेंस करवाना मस्ट है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था भाई। आपका फायदा है, आपका नुकसान नहीं है उसका। चलो उसको भी आप छोड़ देते हैं, आपने करवाना है ठीक है, नहीं तो भाई आपकी खुशी है। तो जो मलेशिया में अभी अनडॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए तो सरकार ने ये वाला बयान दे दिया है कि भाई हम करेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं है कि पूरी दुनिया में भाई एक दूसरे को प्यार करने वाले ही होते हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे को नफरत करने वाले भी होते हैं। तो भाई हो सकता है आने वाले समय में इसके ऊपर सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोई ना कोई पिटीशन दायर कर दी जाए, या कुछ और ऐसा कोई लोचा हो जाए आने वाले समय में, वो कुछ नहीं कह सकते। अभी के अभी तो भाई सरकार ने ये फैसला लिया कि हम फ्री में बांट देंगे, क्योंकि जितनी वैक्सीनेशन की डोज इनके पास है वो इनकी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। और बाद में ये तो दवाई बेकार हो जाएगी, क्योंकि दवाई 2 बार लगेगी। एक बार वैक्सीनेशन की दवाई लगेगी, टीका लगेगा, और उसके बाद उसका बूस्टर लगेगा। ये 2 बार आपको टीका लगना होता है, ठीक है ना, जो इंजेक्शन होता है। ये तो सरकार का बयान था, खुली डुली सी बात। अब उसके बाद आ जाते हैं, छोटा सा एक क्रिटिसाइज ही बोल देते हैं। अब इसको मैं कोई बड़ी खुशखबरी वाली बात तो बताऊँगा नहीं, बल है खुशखबरी, पर एक हिसाब से इसको आप क्रिटिसाइज के हिसाब से भी ले सकते हैं। अभी कोरोना वैक्स जो केस है वो कम होने लगे, क्यों? क्योंकि वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जो मेरे भाई रेगुलर व्यूवर हैं उनको सब पता है कि मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूं। अभी कम हो रहे हैं क्योंकि भाई अभी दीपावली निकल चुकी है, क्रिसमस निकल चुकी है, न्यू ईयर निकल चुका है, चाइनी न्यू ईयर निकल चुका है, एवरीथिंग सब कुछ फिनिश हो चुका है। अभी रोजे स्टार्ट होने वाले हैं, तो आने वाले समय में कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी और भी ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ थोड़ा सा दिमाग में राहत का मतलब बीज बोया जाएगा लोगों के दिमाग में। तो ट्विटर पे जी नूर हाशिम अब्दुल्ला जी ने देव बता दिया है कि भाई हमारे कम हो रहे हैं, अभी केस कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये सबको पता है, क्योंकि अभी चाइनीज न्यू ईयर निकलने वाला है। तो उसके बाद अभी बात कर लेते हैं भाई छोटी सी, एक आपको बचाने के लिए। एक मेरे भाई हैं जो खेलते हैं क्या बोलते हैं उसको, गैम्बलिंग, जहाँ बिटकॉइन लेते हैं ना। तो बिटकॉइन के चक्कर में जौहर बारू में 9 लड़के पकड़े गए हैं और 2 इंडोनेशियन लड़कियां पकड़ी गई है। ये बिटकॉइन बेचते थे, बिटकॉइन करेंसी पता ना आपको, ये वाली, ये बेचते थे वहाँ पे, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वगैरह काफ़ी कुछ मिल चुका है। तो भाई डुप्लीकेट चीज़ों से बचो जितना हो सकता है, सीधे रास्ते पे चलोगे आपके लिए आसानी रहेगी। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी तो भी ठीक है, नहीं तो भाई आपकी खुशी है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कुछ ना कुछ छोटी छोटी जानकारी लेके मिलते रहेंगे आपको कुछ नए कंटेंट में, नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।